यह HDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सींग रोधन किसे कहते हैं और सींग रोधन के क्या लाभ हैं, क्या हानि हैं और सींग रोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। तथा हमारा दूसरा टॉपिक बनता है कि बधियाकरण किसे कहते हैं और बधियाकरण का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सींग रोधन के बारे में। तो सींग रोधन क्या है कि नवजातों में सींग के अंकुर को जलाने की क्रिया को ही सींग रोधन कहते हैं। नवजात में डिबडिंग को औसतन 10 से 15 दिन की उम्र पर मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये बात एक नोट के माध्यम से बताई गई है। अब है डीवर्डिंग या सींग रोधन के क्या लाभ हैं। इसके निम्न लाभ हैं, जैसे सींग रहित पशु को आवास की कम जरूरत पड़ती है और सींग रहित पशु का रखरखाव प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है तथा सींग रोधन वाले पशु सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं और सींग रहित पशु में कैंसर की समस्या शून्य होती है और सींग वाले पशु आपस में नांद और बर्तनों को अधिक हानि पहुँचाते हैं। तो ये इसके क्या हैं लाभ हैं। हानि क्या है, सींग रहित पशु दूसरे पशु को चोट पहुँचाते हैं और जैसे मुर्रा है, कांकरेज हैं, तो इनके क्या है सींग गोलाकार होते हैं तो इनमें आक्रमण हो जाता है तो ये आपस में सींग फंसा लेता है और आपस में चोट पहुंच जाती है। अब है सींग रोधन की विधियां। तो सींग रोधन की मुख्य रूप से तीन चार विधि हैं। पहली विधि है रासायनिक विधि और दूसरी विधि है गर्म छड़ की विधि और तीसरी विधि है डिहॉर्नर विधि और चौथी है रबड़ एवं छल्ला विधि। तो सींग रोधन की पहली विधि है रासायनिक विधि। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एक रसायन होता है जैसे KOH यानी पोटेशियम क्लोराइड तथा LN2 गैस आदि की सहायता से नवजात के पोल को टटोल का रसायन द्वारा जला देते हैं। फिर इसके बाद वैसली लाल दवा बोरिक एसिड लगा देते हैं और दर्द निवारक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। दूसरी विधि है गर्म छड़ द्वारा। इस विधि में लोहे की गर्म छड़ का उपयोग किया जाता है और कॉर्नर नर्व को ब्लॉक करके गर्म छड़ द्वारा डिवर्डिंग करते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर दर्द निवारक इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरी विधि है डिहॉर्नर विधि यानी विद्युत विधि यानी विद्युत के माध्यम से डिवर्डिंग करना। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा हॉर्न बड को जला दिया जाता है। उसके बाद एंटीसेप्टिक आदि लगा दें यानी डिहॉर्नर को कम से कम 1000 फॉरेनहाइट और सेल्सियस में 540 डिग्री सेल्सियस पर डिहॉर्नर को गर्म किया जाता है और जिसको 8 से 10 सेकेंड तक हॉर्न बड को जलाने में लगाते हैं। चौथी विधि है रबड़ या छल्ला विधि। इस विधि में एक टाइट रबड़ का छल्ला को सींग के नज़दीक भाग में पहना दिया जाता है। उसके बाद रक्त सप्लाई रुक जाती है, फिर धीरे धीरे सींग अपना आप ही टूट कर गिर जाता है। तो ये विधि सींग रोधन की विधि है जो कितनी है, चार। अब हमारा दूसरा टॉपिक था इसके अंतर्गत बधियाकरण। तो बधियाकरण किसे कहते हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरह से बधियाकरण किया जाता है। तो बधियाकरण यानी वृषण ग्रंथि को शल्य क्रिया द्वारा हटाकर या स्पर्मेटिक्रोड को किसी उपकरण की सहायता से दबाकर एक क्रियाशील करना ही कास्टेशन बधियाकरण कहलाता है। तो बधियाकरण के क्या उद्देश्य हैं यानी अवर्गीकृत पशुओं अथवा नकारा बेकार पशुओं को
नपुंसक बना सकें अथवा वो संतान पैदा नहीं कर सकें। दूसरा पॉइंट है, कृषि कार्य हेतु भारवाहक बैल तैयार किए जाते हैं। तीसरा है, मेंढे और बकरे आदि को मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए पद्यकरण किया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट के माध्यम से बताया गया कि विभिन्न पशुओं में पद्यकरण की क्या उम्र है। तो बछड़ा में 8 से 10 सप्ताह के अंतर्गत पद्यकरण कर दिया जा सकता है, मेमनों में 2 सप्ताह और सूअर में 1 सप्ताह और बकरा 1-2 माह में पद्यकरण कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत अगला पॉइंट बनता है कि पद्यकरण की कितनी विधि हैं। तो पद्यकरण की 2 विधियां हैं, एक खुली विधि, दूसरी है रबड़ के छल्ले द्वारा, यानी एक खुली विधि दूसरी बंद विधि। तो खुली विधि, इस विधि में पशु को जमीन पर या काल्प को या बछड़ा को जमीन पर गिराकर नियंत्रित करते हैं और इस पर मैट्रिक रोड को खींचकर नीचे की तरफ निसंक्रमित ब्लेड से चीरा लगा देते हैं और पद्यकरण कर दिया जाता है। यह विधि वर्तमान में बहुत कम काम ले जाते हैं। इस विधि को हम ऑपरेशन विधि भी कहते हैं। अगली है बंद विधि। इस विधि में पशु को चीरा नहीं लगाया जाता है और दर्द भी नहीं होता है, जो 2 प्रकार से की जाती है, एक बड़जियों के माध्यम से और दूसरा है रबड़ के छल्लों द्वारा। बड़जियों क्या होता है, इस विधि में एक बड़जियों उपकरण द्वारा स्पर्मेटिक रोड को 3 से 5 सेमी ऊपर लगाकर कसकर दबा दिया जाता है तथा फिर दोबारा 1 सेमी नीचे बड़जो लगाकर दबा दिया जाता है और कास्टेशन हो जाता है। नोट के माध्यम से बताया गया है कि इस विधि में रक्तस्राव बिल्कुल नहीं होता है तथा वर्तमान में यह विधि बहुत उपयोग में ली जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड नेश पद्यकरण की कौन सी विधि है, तो बड़जो विधि है। अगली है बंद विधि रबड़ के छल्ले द्वारा। इस विधि में बछड़ों को 7 दिन की उम्र में ही एक रबड़ बैंड का अंडकोश के ठीक ऊपर स्पर्मेटिक रोड द्वारा लगा देते हैं, जिसमें छल्ले के दबाव के कारण ब्रश्न का रक्तस्राव सप्लाई बंद हो जाती है और धीरे धीरे ब्रश्न निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये आपकी रबड़ के छल्ले द्वारा पद्यकरण की विधि होगी। तो आज हमने 2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।